प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जनवरी को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान का आगाज किया था। इसी राष्ट्रीय अभियान के चलते महाराष्ट्र में इस थीम का लॉन्चिंग कार्यक्रम गवर्नर हाउस में संपन्न हुआ, जहां महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपने व्यक्तित्व में सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी बेटियों को सशक्त बनाने का जो प्रयास आज कर रहे हैं, उसकी नींव ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 85 वर्ष पहले ही रख दी थी। उनका लगाया गया ये पौधा आज पूरे विश्व में शांति का प्रकाश फैला रहा है। हमारे प्रधानमंत्री तो आजकल कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर आपके परम पूज्य संस्थापक जी ने तो आज से 85 साल वर्ष पहले ही सोच लिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो एक प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए स्वाभाविक है कि इस देश के चिंतन में यही है। और आज देश में जिसकी चर्चा आप लोग बोलते हैं, दुनिया के अंदर ये जो शांति है, ये शांति ही सबसे कठिन है। और कहने को ये बहुत सरल है, लेकिन शांति मिलना आप लोग अनुभव करते होंगे शांति के लिए। महाराष्ट्र के इतिहास में स्वर्णिम यादगार दिवस है, तो इस अमृत महोत्सव के सुहाने पल में माननीय आदरणीय राज्यपाल जी का हृदय पूर्वक सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ, अभिवादन भी करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। माननीय सम्माननीय राज्यपाल जी का हम सभी से और बाबा से बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि बाबा ही सब कुछ करा रहे हैं और उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो बहुत ही सम्मान रखते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए। स्वर्णिम भारत, इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जोन की प्रभारी बीके संतोष, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, मुलुंद सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, बोरीवली ईस्ट के प्रभारी बीके दिव्या प्रभा, मुंबई विलेपार्ले सेवा केंद्र के प्रभारी बीके योगिनी, बीके मीरा समेत मुंबई की सभी वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहने उपस्थित थे। परमात्मा पिता हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं कि अगर आपको स्वतंत्र होना है और सारे विश्व को और खास भारत को स्वतंत्र करना है इससे, तो उसके लिए आप अपने कमियों का बलिदान दो। आप अपना गला नहीं काटो, परंतु आपके अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उसका गला काट करके मेरे को इन कमियों का दान दो, और मेरे द्वारा तुम दिव्य गुणों को धारण करो, जिन दिव्य गुणों को धारण करके आप मनुष्य से देवता बन सकते। जन जन मंगल दायक जय हे पालक भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम के समापन में माननीय गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पूरे भारत में शांति का संदेश फैलाने की शुभकामना व्यक्त करते हुए बाइक रैली का फ्लैग ऑफ किया।